आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से मसूर की दाल से हम लोग जो हैं इंस्टेंट ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं उसके लिए आपने क्या करना है अगर आपकी स्किन के ऊपर किसी भी किस्म के डार्क स्पॉट वगैरह हो या फिर कोई निशान वगैरह हो डार्क सर्कल हो या फिर आप ग्लो चाहते हैं आपकी स्किन बिल्कुल साफ़ है बट उसके बावजूद भी ग्लो नहीं है तो उसको किस तरह से हम इंस्टेंटली वापस ला सकते हैं तो उसके लिए जो हमें चीज़ें दरकार हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले तो अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठिकठा करेंगे होंगे और मैं भी अलमदिल्ला ठीक ठाक हूँ आज आपकी खिदम में लेकर एक और वीडियो हाजिर हूँ जो कि है मसूर की दाल से हम इंस्टेंट ग्लो वाला फेस पैक बनाएंगे उसके लिए मैंने एक टेबल स्पून लेकर बड़ा चम्मच होता है वो लेकर दाल मसूर का उसको मैंने ग्राइंड कर लिया इस तरह से फाइन सा मैंने उसका क्या कहते हैं पाउडर बना लिया है आप खुद भी मिक्सी के अंदर या फिर ब्लेंडर के अंदर इसको बना सकते हैं और स्टेंडर के साथ स्टीन करके इस तरह से पाउडर आपने बना ला ठीक है, है उसको ले लेना है उसके बाद एक से डेढ़ टेबल स्पून आप इसको इजीली बना सकते हैं एक फे, फेस के लिए यहाँ पे सेकंड इंग्रेडिएंट्स हमारे पास क्या है हाफ टेबल स्पून यहाँ पे मैं शुगर पाउडर डाल रही हूँ चीनी को ग्राइंड कर लें और उसका पाउडर बन जाएगा इजीली आप जो है विदाउट ग्रैंड के वो भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे थर्ड चीज़ है हमारे पास ड्राई मिल्क पाउडर है आप कोई सा भी ले सकते हैं मैंने यहाँ पे नीडो लिया है इसको हम अच्छे से डाल कर एवरी डे है सॉरी कोई सा भी आप ले सकते हैं तीनों पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हम जो आगे पैक बनाएँ तो उससे इजीली ये अच्छे से मिक्स हो जाए तीनों चीज़ें यकजान हो जाए तो पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे फर्स्ट ऑफ़ ऑल अच्छा अब इसके अंदर क्या करना है अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसके अंदर ऐड करेंगे क्या कहते हैं अरके गुलाब नहीं तो फिर आप इसके अंदर ग्रेसिन भी डाल सकते हैं या फिर अगर आपके डार्क सर्कल या फिर आपके स्किन पर बर्निंग अफेक्ट ज़्यादा होता है तो आप इसके अंदर कोकम्बर का जूस भी ऐड कर सकते हैं तो इसके अंदर एक से डेढ़ टेबल स्पून जो है हम के गुलाब का डालेंगे और इसका अच्छे से हम लोग मिक्सचर बना लेंगे यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया हरके गुलाब दो चम्मच इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्सिंग अच्छे से किया करें क्योंकि जो है ना पैक की सही जान तब बनती है पैक के यूज़ करने के बाद अफेक्ट तब मिलता है जब हमारी मिक्सिंग अच्छी हुई हो इसको इतना अच्छे से हमने मिक्स करना है ना अभी ऑफ कैमरा में जाके इसको अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि ये बिल्कुल जो है ना इस तरह से हमारा जो टेक्चर है वो रेडी हो जाए यहाँ पर आपको रनी टेक्चर लग रहा होगा क्योंकि ये अभी अभी हमने इसको किया अभी इसके अंदर जो शुगर है उसने डिज़ोल्व होना तो इसको आपने ना बनाने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रख देना उसके बाद ये एक बिल्कुल क्रीमी टेक्स्चर में आ जाएगा तो आपको अप्लाई करने में बहुत आसानी हो जाएगी फेस के ऊपर ठीक है ऐसे भी लग जाएगा अगर आप इस्टेट यूज़ करना चाहते हैं बट अगर फ्रिज में आपके पास टाइप है तो आप लोग इसको रख के यूज़ करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तब भी आपको <coughs> और क्या कहते हैं ये बिल्कुल आपकी फ़ेस को क्लीन और कर देगा दस मिनट आपने फेस पे लगा के रखना है उसके बाद नॉर्मल टाइवर्टर से रिमूव कर लेना तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले